देखिए यह बच्चा इससे तेज दौड़ता है, लेकिन यह गुड आया और ये एक्सीलेंट है, और वो भी एक्सीलेंट में ये सुपर एक्सीलेंट है। अर्थात कहने का मतलब अपने ग्रुप में सबसे प्रथम नंबर, अपने ग्रुप में प्रथम नंबर स्थान पे है, और इससे भी तेज ये दौड़ता है, तो ये गुड क्यों है? कारण ये बताएगा कि ये गुड का आने का इसका कारण क्या है। बताओ तुम कारण बताओ कि गुड क्यों है। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि गलती नहीं करना है। जैसे रनिंग से पहले आप लोगों को बैठाएगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जैसे बोलेगा वैसे करना है। और मैंने गलती किया कि हाथ उठा दिया, इसके कारण मुझे अलग बैठा दिया। हाथ कैसे उठाया? ऐसे हाथ उठाए थे कैसे? ये एक्सीडेंट मारा और ये बोला कि मैं एक्सीडेंट मारा हूँ, तो बोले चलो गुड है, तुम जाओ, हम भी एक्सीडेंट मारेंगे। और मैं ऐसे किया तो मेरे को क्या, अलग बैठा दिया, अलग बैठा कर, और मेरे को सब बदने से पीछे बैठा दिया, पूरा पीछे, सबसे पीछे बैठा दिया। और मैंने उससे फोर से बोला कि देखिए सर कहाँ बैठा ये, कितना मैं रनिंग निकाला, मैंने 2-3 मीटर पीछे बैठा दिया पूरा बंदे से। 10 मीटर सर पीछे, 10 मीटर पीछे बैठा दिया मतलब लगभग। तो हम बोले देखिए सर कहाँ बैठा ये, लेकिन मैं रनिंग निकालूंगा, आगे रहते तो एक्सीडेंट मरता कन्फर्म, लेकिन पीछे बैठा है लेकिन रनिंग मैं निकालूंगा। और जब मैंने रनिंग क्लियर किया तो उस फोर्स ने पूछा कि कैसे रनिंग निकाली है, तुम तो इतना पीछे था। तो मैंने जैसे मैंने बोला था ना कि रनिंग निकालूंगा तो निकालूंगा, इसलिए मैंने रनिंग निकाला। देखो सबसे बड़ी बात है कि देखिए आप उसके कैंपस में घुसे तो उसके इच्छा अनुसार काम करें, जैसे बोल रहे हैं वो लोग वैसे काम कीजिए, नहीं तो आप अभद्र तरीके से उसके साथ प्रवेश की, उसके साथ बर्ताव कीजिएगा तो वो भी आपको छोड़ने वाले नहीं है, वो आपको पीटेंगे भी और पनिशमेंट में देंगे, क्योंकि वो यही वहाँ पे आपको यही बात सिखाना चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि फोर्स का सबसे मेन पॉइंट होता है डिसिप्लिन। यदि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए तो आप फोर्स लाइक नहीं बन सकते। यदि फोर्स में जाना है तो सबसे पहला है डिसिप्लिन। यदि आपका सीनियर जो कह दिया वही उसका ब्रह्मा के समझो की लकीर है कि वो जो कह दिया उसके मुख से जो निकल गया वो सही है, आपके नज़र में वो गलत हो सकता है लेकिन उसके नज़र में यदि सही है तो वो सही है, उस काम को करो। बोल रहा है जैसे कि हाँ ऐसे बैठना है तो ऐसे बैठो, बोल रहा है कि ऐसे ऐसे मत करो तो मत करो। यदि आप ऐसे तरीके से प्रवेश आते हैं जब उसको अच्छा न लगे तो आपको पनिशमेंट देगा ही, इसीलिए डिसिप्लिन वहाँ पे फॉलो कीजिए। यदि आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करेगा बल्कि आपको सपोर्ट करेगा, इसीलिए आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि वहाँ बैठने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ कूदिए फानिए, ऐसे कीजिएगा तो आपको डिसिप्लिन तोड़ने के आधा तोड़िएगा उसका तो आपको कष्ट देगा ही। दूसरी नंबर बात, आप में से कौन को बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? 11। इस ग्राउंड से 11 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जिस दिन 4 तारीख को जो आर्मी जीडी का था, उसी दिन आर्मी बीएसएफ ट्रेडमैन का रिटर्न टेस्ट था। तो बहुत से हमारे ग्राउंड के बच्चे ने डिसाइड किए कि सर हम आर्मी में ना जाके हम उसका रिटर्न देने जाएंगे, जिसके कारण जितने भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुपर एक्सीलेंट थे वो सब भी चले गए रिटर्न देने, जिसका नतीजा हुआ कि मतलब काफ़ी कम बच्चे पहुंचे वहां पे, ऐसे 12-13 बच्चे गए जिसमें 11 के बच्चे निकाल के हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा सरकार को भी सोचना चाहिए कि हाँ यदि एक चीज दो एग्ज़ाम न ले, अर्थात कहने का मतलब है कि दो एग्ज़ाम लेने के बाद एक ही जगह लड़का प्रेजेंट अपना दे सकता है, जिसके कारण एक में वो बेचारा यदि प्रैक्टिस भी अच्छा से करता है तो एक छट जाता है। इन लोगों का दिमाग में आया कि सर हम तो फिजिकल ऑलरेडी निकाल दिए हैं, अब मेरा सर रिटर्न है तो रिटर्न हम आराम से हो सकता है, जिसके कारण उस लोभ में ये लोग चले गए रिटर्न देने और फिजिकल छोड़ दिए, और मात्र कुछ ही बच्चे गए ग्राउंड में, और जिसका रिजल्ट आप लोग देखते हैं कि 11 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं चनकिया ट्रेनिंग सेंटर से। अरे तुम बताओ, तुम सुपर एक्सीलेंट, ए लड़का जो अपने बैच में सुपर एक्सीलेंट मारा, अर्थात कहने का मतलब है कि
अपने ग्राउंड में अपने जितने भी उसके बैच थे, कितना का बैच था? 250 का बैच, 250 के बैच में यह प्रथम नंबर स्थान पे आया, और इसके पहले वाले भर्ती में भी ये गया था तो प्रथम नंबर स्थान पे आया था। इसके लिए जोरदार ताली। दूसरा नंबर है खली का नाम, जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बहुत से यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कुछ मेरी अपने अपने काम में व्यस्त है। तो दूसरा नंबर है खली। खली भी अपने 250 के बैच में, वो भी घाव होने के बाद, उसका एक घाव हो चुका था, घाव होने के बाद भी 250 के अपने बैच में वो भी अपना एक छाप छोड़ा। अर्थात कहने का मतलब, वो भी अपने बैच में सबसे प्रथम नंबर स्थान आकर, अर्थात सुपर एक्सीलेंट मार के अपना वहाँ पे वर्चस्व कायम रखा। उसके लिए भी जोरदार था। ये भी बच्चा एक्सीलेंट आया, ठीक है, ए नीरज कुमार, ए भी एक्सीलेंट आया और ए गुड आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ से लगभग जितने भी बच्चे गए थे, मात्र दो बच्चे छोड़ के, तीन बच्चे छोड़कर बाकी सब फिजिकल निकाल के आए हैं। और यहाँ पे आपको देखते होंगे कि आपका जनसंख्या यहाँ पे कम नहीं है। और दूसरी नंबर बात है, यहाँ के बच्चे में भी कुछ हम डिफॉल्ट देखते हैं कि बहाली आता है तो नए बच्चे हमारे में काफ़ी हो जाते हैं। कहीं भी इंस्टीट्यूट का यही होता है कि जिस दिन बहाली आएगा उसके 20 दिन पहले से आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बहाली होते ही वो सब कहाँ जाते हैं उसका कोई दिखाई ही नहीं देते। तो ऐसे मत करें, यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आप बहाली के पहले आए और शुरू से अभ्यास कीजिए। जीरो से आप अभ्यास कीजिएगा तो जल्दी सक्सेस मिलेगा। आप सोचिएगा कि हम 10 दिन बहाली के में दौड़ लेंगे पहले तो हम फिजिकल निकाल लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जब ट्रेन सर, जब वहाँ पे लाइन पे खड़ा होना है ना, तो लाइन पे खड़ा होने के बाद जब बैठाएगा फोर्स, तो वहाँ पे आराम से जैसे कहेगा वैसे आपको बैठना है। वो जैसे बोल देगा कि मतलब वहाँ पे सो जाना है तो सो जाना है, बैठ जाना है तो बैठ जाना है। तो जैसे वहाँ पे बोलेगा, वहाँ पे जैसे ही वहाँ लाइन से हटेगा फोर्स, वो आपको बोलेगा खड़ा होने के लिए, तो आप खड़ा होइएगा। और जैसे गो बोले दम, उसके बातों पर दम एक करोड़ दम रहना है। जैसे वो बोले खड़ा होने के लिए, आप गो हो जाइएगा, कि वहाँ पे गो बोलने के लिए टाइम नहीं देता है। वो गो बोलने से आप पहले जो पीछे लगे हैं बंदे वो अगाड़ी निकल जाएंगे, और जो आगे लगे हैं वो गो बोलने के बाद भागेंगे। यही मेरा था। उसके बाद मैं पहले का राउंड में लगभग 160 या मतलब 150 के करीब के लड़का के पीछे हम दौड़ रहे थे फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड स्टार्ट होते ही मेरा मतलब 10-15 को लेकर के पीछे दौड़ रहे थे, और थर्ड राउंड में हमें आगे निकल गया। उसके बाद आगे रह लेते रहते चौथा राउंड में हम अपना 10 मीटर लीड लेते एक्सीलेंट में घुस गए थे। और एक और बात बताओ कि वहाँ पे लाइन जब लगा था जी, ठीक है, तो जब जैसे दौड़ना जब शुरू किया जी, ठीक है, तो दौड़ने का तरीका क्या था तुम्हारा? दौड़ने का तरीका था कि हम स्टेप में, ये बताओ पहले कि लाइन में तुम कितने किधर लगा था? हम आगे लगा था कि बाएं साइड लगे थे, 163 लगे के पीछे, 163 बच्चा के पीछे लगे जी। अच्छा, तो खड़ा होने के लिए हमको बोला ना, तो हम 40 को लेकर मतलब प्लस 40 प्लस लेकर तो हम आगे आ गए। अर्थात गो बोलने के मतलब हम टाइम, हमको गो बोलने हम नहीं सुने, गो से पहले ही हम 40 को लेकर के हम आगे आए, गो बोला हम मतलब निकल गए। अर्थात देखिए, कभी भी आर्मी के खासकर बहाली में जाइए तो इतना बात ध्यान में रखिए कि कान को हमेशा खड़े रखिए, आप उसके हमेशा बातों पर ध्यान दें, ना कि उसके चाल पर ध्यान दें, ठीक है। आप कान खड़ा करके रखें जैसे, और उस पर हमेशा ध्यान देते रहें, जैसे उसकी मुख की गो हो रही है तुरंत फौरन बिना देर किए हुए भाग जाना है, बिना देर किए ही काफ़ी स्पीड पकड़ना है। और आपको कम से कम 200 मीटर आपको कुछ तेज दौड़ना है, और सभी बच्चे को काटते हुए आ गए, उसके बाद में अपना पगडंडी धर के दौड़ते रहना है और लास्ट का राउंड खींच देना है। जैसे ही विजिल की आवाज़ आप लोग सुने, ऐसे कीजिएगा तो आप लोग फिजिकल बेहतरीन कर सकते हैं। फिजिकल में 100% है कि यदि आप ग्राउंड पर मेहनत किए होंगे तो आप फिजिकल में एक्सीलेंट मार सकते हैं। तो आप इस क्रिया को कीजिए। ये बच्चे जो बताए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आप लोगों के सामने, और ऐसे आप करते हैं तो इनके जैसा आप सुपर एक्सीलेंट मार सकते हैं।